बिल्कुल मैंगो वाला टेस्ट था। इससे पहले मैंने माई प्रोटीन का एक मैंगो फ्लेवर पिया था, आप में से अगर किसी लोग ने पिया हो तो कमेंट जरूर करना कि माई प्रोटीन का जो मैंगो फ्लेवर है वो कितना अच्छा है। उससे गंदा फ्लेवर मैंने किसी भी ब्रांड का नहीं पिया, बट इसको पीने के बाद ना बिल्कुल जैसे मैंगो शेक हम पीते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल प्योर मैंगो वाला फील आ रहा है। कोई कोई प्रोटीन ऐसा होता है अगर आप उसको पी रहे हो तो आपका उसका मन करता है कि उसको कंटिन्यू और ड्रिंक करूँ और ड्रिंक करूँ। जनरली प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर के प्रोटीन होते, बट डिफरेंट फ्लेवर के प्रोटीन हम रेयरली ट्राई करते हैं। मैं एग्री भी करूँगा उससे क्योंकि वो टेस्ट ब्रांड टू ब्रांड ही वरी करता है। जैसे मैंने बताया माई प्रोटीन का, उसका टेस्ट काफ़ी वियर था मैंगो फ्लेवर का, बट इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सो रिकमेंड जरूर करूँगा, इस वाले फ्लेवर को ट्राई कर सकते हैं ड्यूरिंग द समर अगर आप मैंगो लवर हैं तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिट सीक्रेट टीवी अगेन। आज फिर आज एक नई वीडियो लेके, नया दिन नई शुरुआत और नई वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाना दोबारा स्टार्ट किया है, काफ़ी बिजी शेड्यूल था, सपोर्ट करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, वरना आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। सो होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर एक नया प्रोडक्ट लाया, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया, ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है डॉक्टर चॉइस, जिसके डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, लाइक प्रोटीन के भी कई वेरिएशन है, प्री वर्कआउट्स के, BCAA के, सो काइंड ऑफ मसल टेक की तरह काफ़ी वेरिएशन रख रहा है अपने सप्लीमेंट्स के अंदर। सो उसी की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसी का रिव्यू करेंगे। उनका एक नया प्रोटीन लॉन्च हुआ है कि कैसा प्रोटीन है, क्या उसका रिजल्ट है, कंटेंट क्या है, लेना आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, बजट फ्रेंडली रहेगा या नहीं। सो आज का जो हमारा प्रोटीन है वो है आपका डॉक्टर चॉइस का वे फ्यूज़न थ्री वे फ्यूज़न। सो इसका काफ़ी मैसेज थे कि सर एक डॉक्टर चॉइस पे ऊपर कोई रिव्यू बनाइए। सो मैं इसके दो प्रोडक्ट मंगाए हैं डॉक्टर चॉइस के, पहले हम वे का रिव्यू करेंगे। इसको अगर अच्छी आपने वीडियो को सपोर्ट किया तो उसके जो दूसरा सप्लीमेंट रहेगा मैं उसको भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसका रिव्यू दूंगा। सो आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन की। सो सबसे पहले तो जैसे मैं अपनी हर एक वीडियो बनाता हूँ, कोई भी सप्लीमेंट आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी ब्रांड का बाय करेंगे, सो उसको रिसीव करने से पहले उसका आउटर बॉक्स चेक जरूर करना, आउटर पैकेजिंग जो होती है ना। सो देखो डॉक्टर चॉइस की उनकी पूरी, जनरली क्या होता है पैकिंग में ना एक अलग से यहाँ पे स्ट्रिप होती है, बट इन्होंने जो उसके साथ ही ज्वाइंट करके दी हुई है, जो पूरा इनका रैपर है ना, इस रैपर के साथ ही ज्वाइंट करके दी हुई है। एंड इनकी ऑथेंटिसिटी की बात करूँ तो इन्होंने एक बाहर ही एक बार कोड दिया हुआ है, एक स्क्रैच नंबर दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। सो इसको आप स्कैन करके उस पर मैसेज वगैरह भेज के इसको वेरीफाई कर सकते हैं बिफोर ओपनिंग भी, बट हर एक कंपनी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, वो जरूर चेक ऑन कर लेना अगर कुछ डिफेक्ट निकलता है तो। सो पैकेजिंग के तो फुल नंबर मिलते हैं इसको, पैकेजिंग में तो पास हुआ ही। देखो इसमें कहा था ना, इसका जो रैपर है ना, एक डिसएडवांटेज जो है कि हमने ऊपर की सील अगर ओपन की ना तो उसके साथ ही जो आउटर जो पूरा पैक का जो इसका स्टिकर काइंड ऑफ पैकेजिंग है वो पूरी पील ऑफ हो गई। सो ये सही नहीं होना चाहिए कि अगर हम इसको करेंगे तो पूरा ही बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सो उससे आपकी कंटेंट और इजीली नहीं पड़ पाओगे, और बॉक्स भी देखने भी गंदा लगता है, चीनी चावल वाला बॉक्स लगता है। सो इसकी ओपन करते हैं, ओपन करने बाद इनकी अपनी खुद की ब्रांडिंग है, इस पर मेंशन आउटर इनर सील पे, ये भी थोड़ी हार्ड लग रही है, इसको भी सीजर से ही ओपन करते हैं। तो काफ़ी अच्छी आई मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर इसके कंटेंट वगैरह बारे में बताऊंगा, क्योंकि जल्दी लोग बोलते हैं कि पेड प्रमोशन कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी हार्ड वर्क मनी लगा के प्रोडक्ट बाय करता हूँ, तो यूज़ तो करता ही मैं, सो ऐसे प्रोडक्ट बाय करता हूँ जिसको मैं रिव्यू कर पाऊँगा। मैंगो फ्लेवर है, मैंगो का फ्रेगरेंस आ रहा है, वही सिंपल सा फ्लेवर है, और जनरली सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है स्कूप की, कि स्कूप किसी भी हम फाइंड नहीं कर पाते इजीली। अब बात करते हैं इसकी खासियत क्या, देखिए वे फ्यूजन जो है ना, जैसे नाम है थ्री वे फ्यूजन, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, मोर देन 90% लोगों को पता होगा कि तीन टाइप के हमारे वे होते हैं, कंसंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज। सो हाइड्रोलाइज जो है ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, जो इजी टू डाइजेस्ट और फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, जो ओलंपिक लेवल करते हैं, जो बड़े बड़े और किसी भी स्पोर्ट्स में है जिनको फास्ट एनर्जी हार्ड कोर काइंड ऑफ वर्कआउट चलता है, वो आइसोलेट हाइड्रोलाइज भी यूज़ करते हैं, और आइसोलेट की ही फॉर्म है, आइसोलेट को हम ओवर फिल्टर करते हैं तो उसको हाइड्रोलाइज की फॉर्म हमारी मिल जाती है। सो थर्ड जो इसमें सेकंड जो प्रोटीन है वो है आइसोलेट, फर्स्ट हाइड्रोलाइज, आइसोलेट एंड कंसंट्रेट। सो तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जो आपकी रिकवरी को उसके तीनों प्रोटीन के अकॉर्डिंग हेल्प करेगा रिकवरी कराने में,
एक सीरीज बन जाएगी, सबसे पहले वो एब्जॉर्ब हुआ, देन वो हुआ, देन वो हुआ। कंसंट्रेट थोड़ा टाइम लेता है कंपेरेटिव टू आइसोलेट और हाइड्रोलाइज के अकॉर्डिंग। कंटेंट की बात करूँ, वैसे तो रैपर इसका मैंने निकाल ही दिया था। कंटेंट इसका जो है 39 ग्राम का स्कूप है। 39 ग्राम में आपको जो है 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। जो जो कंपनी मेंशन करेगी जीरो एडिड शुगर है, कोई शुगर भी नहीं इनकी, बाहर भी मेंशन किया हुआ इन्होंने। 5.5 ग्राम BCAA है, 25 ग्राम प्रोटीन है, 4 ग्राम ग्लूटामाइन है। जैसे मैंने काफ़ी वीडियोज में बताया, शॉर्ट्स में बताया कि हम जनरली अदर सप्लीमेंट्स को नहीं यूज़ करते, तो ग्लूटामाइन भी आजकल है कि मिल जाए, तो ग्लूटामाइन भी 4 ग्राम ऐड होने। EAA एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो 11 ग्राम है। सो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर हम इतने सारा कंटेंट हम डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली स्कूप साइज तो बड़ा होना ही था। सो 39 ग्राम का स्कूप साइज में 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब ये यूज़ किसको करना है, देखिए यूज़ इसको कोई भी कर सकता, तीनों का एक ब्लेंड है। सो ब्लेंड जनरली मैं उनको रिकमेंड ज़्यादा करूँगा जो बल्किंग फेज में है ना, तो वो लोग ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि कोई काब्ज हम इतने कंटेंट डालें थोड़े काब्स की वैल्यू भी इसमें इंक्रीज़ होगी। तो जो बल्किंग कर रहे हैं, जो एक या अभी बल्किंग मतलब ये नहीं कि आप वेट गेन कर रहे हैं, एक हेल्दी बल्किंग कर रहे हैं, मसल मास पे ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, सो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई जो प्रेप वगैरह पे है अपने, एक टाइम का हैज़ा मील भी इसको आप बना सकते हैं कि बीच में एक हैज़ा मील इसको हमने यूज़ कर लिया। सो उसको इस तरह से हम यूज़ भी कर सकते हैं। मैं अब इसका स्कूप तो मुझे निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्कूप हमेशा बॉटम में रह जाता है प्रोटीन का। सो मैं दूसरा स्कूप यूज़ किया है, ये मसल ब्लेज का स्कूप है 35 ग्राम का। सो इसको साथ उसको करता हूँ, मैंने पानी पहले लिया था। इसके साथ एक चीज़ बता दूँ आपको, इसके साथ जो आउटर बॉक्स आया था ना, इनका शेकर भी आया था, वी फ्यूजन का अच्छा शेकर है, एक न्यू शेप है, थोड़ा नीचे से थोड़ा राउंड काइंड ऑफ का शेप है इसका। और अगर क्वालिटी वाइज बात करूँ तो एवरेज क्वालिटी है शेकर की, ऐसा कुछ हार्ड कोड क्वालिटी नहीं है कि आप देखते ही इंप्रेसिव हो जाए। एक जनरल जो शेकर की क्वालिटी होती है वैसी होती है। सो 35 ग्राम ले रहा हूँ, 300 ml मैंने इसमें वाटर लिया है। सो बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि कितने पानी या प्रोटीन लेना चाहिए, कोई 400 मिल रहा है, कोई 200 मिल रहा है। सो 250 से 300 की उनसे एवरेज अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो कितना भी स्कूप हो। प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, गेनर में तो ज़्यादा भी हो जाता है, पर प्रोटीन में 250 से 300 ml एक डिसेंट अमाउंट है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के साथ हमें वाटर भी चाहिए होता है। सो 300 मैं हमेशा 300 ml में ही प्रिफेयर करता हूँ। सो थोड़ा शेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि मैंगो फ्लेवर है थोड़ा इसमें, क्योंकि जब क्या कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि झाग बनते हैं, फोम आ रही है, तो देखिए फ्लेवर वाइज भी ना फोम बनना एक नेचुरल है, जैसे मैंगो फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, ठीक है, और एक दो फ्लेवर हो जिसमें फोम बनती है, वो थोड़ा नेचुरल है। आप देख पा रहे हैं ना, तो इस तरह फोम बनी है यहाँ पे, है ना। सो फ्लेवर के अकॉर्डिंग भी बन सकती है, ठीक है, और वे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सो थोड़ा बहुत फोम बनना चल सकता है। ऐसा नहीं है कि फोम बनना है तो फेक ही है, वो ऐसा मत सोचिएगा। फोम बनना एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ भी नहीं, इसलिए एक नेचुरल चीज़ है, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं कि फोम बन गया तो नहीं। पर देखो मैंगो वाला बिल्कुल फ्लेवर आ रहा है इसमें, आप देख नहीं पाओगे वीडियो में इतना। सो मिक्सिबिलिटी तो इसकी पूरी हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। टेस्ट बताऊँ उसका, टेस्ट कैसा है, मिक्स पूरा हो चुका है। एंड लिटरली बताऊँ मैंगो फ्लेवर ना बिल्कुल मैंगो वाला टेस्ट है। इससे पहले मैंने माई प्रोटीन का एक मैंगो फ्लेवर पिया था, आप में से अगर किसी लोग ने पिया हो तो कमेंट जरूर करना कि माई प्रोटीन का जो मैंगो फ्लेवर है वो कितना अच्छा है। उससे गंदा फ्लेवर मैंने किसी भी ब्रांड का नहीं पिया, बट इसको पीने के बाद ना बिल्कुल जैसे मैंगो शेक हम पीते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल प्योर मैंगो वाला फील आ रहा है। कोई कोई प्रोटीन ऐसा होता है कि अगर आप उसको पी रहे हो तो आपका उसका मन करता है कि उसको कंटिन्यू और ड्रिंक करूँ और ड्रिंक करूँ। जनरली प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर के प्रोटीन होते, पर डिफरेंट फ्लेवर के प्रोटीन हम रेयरली ट्राई करते हैं। मैं एग्री भी करूँगा उससे, क्योंकि वो टेस्ट ब्रांड टू ब्रांड ही वरी करता है। जैसे मैंने बताया माई प्रोटीन का, उसका टेस्ट काफ़ी वियर था मैंगो फ्लेवर का, बट इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सो रिकमेंड जरूर करूँगा, इस वाले फ्लेवर को ट्राई कर सकते हैं ड्यूरिंग द समर अगर आप मैंगो लवर हैं तो। सो यही था आज का हमारा प्रोटीन। इसकी प्राइस की बात करूँ, सो प्राइस का ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये मैंने 1 kg का मंगाया था, क्योंकि इसमें बताया मैं फ्लेवर को ही टेस्ट करना चाह रहा था कि अगर ख़राब टेस्ट निकलता तो मेरी वैल्यू ऑफ मनी नहीं रहती उतना, ठीक है। सो प्राइस वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो, नया ब्रांड है, कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाएगा, या किसी भी जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट हेल्थ कार्ट कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हो। सो अगर बल्किंग फेस करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, यूज़ कर सकते हो आप। फ्लेवर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, बट फ्लेवर की बात करूँ तो मैंगो फ्लेवर अभी भी एक ना आफ्टर टेस्ट जो होता है ना मैंगो का, वो अभी भी मुझे आ रहा है बात करते हुए। सो वीडियो कैसे लगी शेयर जरूर करना, अगर चैनल को पे अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड कमेंट जरूर करना किस सप्लीमेंट के बारे में जानना चाहते हो। कोई कन्फ्यूजन रहेगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो क्वेरी हो किसी भी तरह का फील फ्री टू रीच मी एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी बी फिट बाय।